हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट क्रिसमस ट्री केक बार्स, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी इजी टू मेक, एंड बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। क्रिसमस ट्री केक बार्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, और वो भी वैनिला फ्लेवर के। आप चाहें तो दो बड़े पैकेट्स ले सकते हैं, चार छोटे पैकेट्स ले सकते हैं, या फिर एक बड़ा और दो छोटे पैकेट्स भी ले सकते हैं। इसमें से हमें सारी क्रीम को अलग कर लेनी है, और ये देखिए मैंने सारे बिस्किट्स में से क्रीम को अलग कर लिया है। अब इसके बाद इन सारे बिस्किट्स को हमें पीस करके एक फाइन पाउडर बना लेना है। इसके लिए हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। अब इन बिस्किट्स के पाउडर को हम एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मिल्क लिया है, और इसको धीरे धीरे ऐड करके इसका एक स्मूथ बैटर बना करके रेडी कर लेंगे। हमें मिल्क धीरे धीरे ही ऐड करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। एकदम स्मूथ बैटर बन के रेडी होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना बेकिंग कंटेनर ग्रीस कर लेंगे एक बटर पेपर के साथ। आप चाहें तो एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये केक ओवन में बनाना चाहते हैं, तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 से 30 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। बट आज हम ये केक कढ़ाई में बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है एक स्टैंड के साथ, और उसके बाद हम अपने कंटेनर को इसके अंदर रख देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। अब इन द मीन टाइम हम अपने केक की आइसिंग तैयार कर लेते हैं। हमने जो बिस्किट से क्रीम अलग किया था, उसको इस तरीके से मैश करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून हॉट मिल्क डालेंगे, और लगातार फेंटते हुए इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। इसको फेंटने में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। शुरू में आपको लगेगा इसमें कुछ लम्स हैं, बट लगातार फेंटते हुए ये स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ये केक को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमारी आइसिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे और अपने क्रीम को उसके अंदर फिल कर लेंगे, और ये देखिए हमारी आइसिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए 35 मिनट्स के बाद हमारा केक भी बेक हो चुका है। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, दैट मीन्स आवर केक इज़ परफेक्टली बेक्ड। अब यहाँ पे हम अपने केक के साइड्स को फ्री कर लेंगे, और इसको एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने केक को इक्वल ट्रायंगल्स में कट करेंगे। आप चाहें तो पहले नाइफ़ की हेल्प से इसके ऊपर निशान बना करके भी कट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे केक्स इक्वल ट्रायंगल्स में कट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ट्रायंगल्स कट हो करके रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने केक की आइसिंग करेंगे। हमने जो क्रीम प्रिपेयर करी थी, उसको इस तरीके से जिगजैग मोशन में इसके ऊपर ऐसे डेकोरेट कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे ट्रायंगल्स को डेकोरेट कर लेंगे। अब इन क्रिसमस ट्री केक्स को थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने थोड़े से रेनबो स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल दिए हैं, जो कि इसको बहुत ब्यूटीफुल बना रहा है। और इसके बाद थोड़े से मैंने रेनबो हार्ट्स लिए हैं, और इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिए हैं, और ये देखिए परफेक्ट क्रिसमस ट्री बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल स्ट्रॉज भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट इंस्टेंट क्रिसमस ट्री केक बार्स बन करके रेडी हो चुके हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, और दिखने में भी कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। गाइस, ये इंस्टेंट रेसिपी आप इस क्रिसमस न्यू ईयर पे ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।